बठिंडा में एक पौश इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां दनादन गोलियां चलने लगी। शेरा नाम का शातिर बदमाश अपनी गाड़ी से निकल भागने की फिराक में था। पुलिस के रोकने पर उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस की फायरिंग में वो मारा गया। बठिंडा में एसीपी के घर के बाहर मुठभेड़। मोस्ट वांटेड की गाड़ी रोकी तो गोली चलाई। बठिंडा का पौश इलाका कमला नेहरू कॉलोनी अचानक गोलियों की आवाज से थर्रास गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक नामी बदमाश गुरुसेविक सिंह शेरा मारा गया। शेरा पर हत्या, किडनैपिंग और लूट के कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर इस गाड़ी की तलाशी लेनी चाही तो गाड़ी से फायरिंग होने लगी। यह बंदा, इसका नाम है गुरुसेविक सिंह, चुप जा रहा, पुराना पुलिस रिकॉर्ड भी है और इसके खिलाफ एलिगेशंस है किडनैपिंग फॉर रैंसम, लूट, मर्डर, सारे एलिगेशन पुराने पर्चे दर्ज है। वो अभी पुलिस ने सारी डिटेल्स निकालनी है। पीछे से फॉलोअप करके गाड़ी रोकने की कोशिश की गई तो मुड़ के गाड़ी जो फायरिंग हुई है, जिसकी जवाब भी फायरिंग हुई है इन एंटिसिपेशन, और रिजल्टेंटली एक बंदे गोली लगी जिसको यहाँ से रेफर कर दिया गया हॉस्पिटल। पुलिस को खबर मिली थी कि मोस्ट वांटेड शेरा बठिंडा पहुंच रहा है। पुलिस ने नाकेबंदी कर गाड़ियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि शेरा कमला नेहरू कॉलोनी में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में देखा गया। एसीपी खुद वहां पहुंचे और गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रुकने की बजाय तेज भागने लगी। पीछा करने पर गाड़ी से गोलियां चलने लगी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। गाड़ी में गुरुसेवक सिंह शेरा के अलावा एक और महिला मौजूद थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बब्बन गर्ग, इंडिया टीवी, बठिंडा।